से एक जुमा पहले हैदराबाद में मुश्तरका मजलिस अमल के तहत तिरंगा रैली निकाले। तिरंगा रैली निकालने के बाद सबके पेट में दर्द हो गया, सबको दर्द हो गया सर में। और मेरे आस्ते नहीं आए, पब्लिक इशू बड़ा था, इशू के लिए आए। और जब तिरंगा रैली निकला तो कांग्रेस और खासतौर से बीजेपी के लोग सवाल करना शुरू कर दिए, आपके हाथ में तिरंगा कैसे आ गया? हम बोले क्यों, क्या आपकी जाति प्रॉपर्टी है? नहीं, आप क्या डर के उठाए? मतलब किससे डर के? उनके डर से। मतलब उनके नहीं, किससे भी नहीं। नहीं नहीं, फिक्र वफादारी दिखाने के लिए होता है। मैं बोला प्यारे, हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते। वो मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, मैं क्या हूं मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। और तुमको भी बोलने आया हूं, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। मैं तुमको बताने आया हूं कि अमन से अपना एहतजाज करना, अमन को बरकरार रखो निजामाबाद में, अमन को बरकरार रखो। तो ये हो गया सवाल नहीं डरने का। दूसरा वफादारी का। अरे वफादारी की बात जब आती, अब मैं चुप्पी की बात बोलने वाला हूं, बोल के जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जब तक जाऊंगा कैसे? और वो क्या बात है, वफादारी के लिए हम तिरंगा उठाएगा थे क्या प्यारे? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सारी कायनात के डैडी, सबके पप्पा, जब आसमानों से अल्लाह ने उनको जमीन पे भेजा तो अब्बा कहां पे आए? अब्बा भारत को आए थे ना। अब्बा जब भारत को आए तो भारत किसका हुआ? अब्बा का हुआ नहीं हुआ? अल्लाह जब हजरत आदम को भेजा तो हम यही आए, इंडिया में कदम रखे। तो ये दुनिया, भारत अब्बा का है नहीं है, ये डैडी का है नहीं है? तो जब डैडी का पप्पा का हो गया, मैं डैडी का बेटा, अब्बा का बेटी, तो वफादारी उनको दिखाना पड़ेगा जो अब्बा को अब्बा नहीं मानते। मैं तो मानते, अब आप क्या करते कर लो जाओ। बोलने आए तो हम बहुत बोल सकते प्यारे, हमारी जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सका, ना करेगा इंशाल्लाह। मेरे को लोग बोलते कह रहे भाई उन्होंने ऐसा बोले, देखो भाई अगर कुत्ता किसी को कतर लिया पैर पे, आप भी कुत्ते के पैर को कतरते? कुत्ता है, कतरना काम उसका है, खुद का खुद। तो समझ गए ना आप? तो बारिश तारे को खाली पताएं कि कोई ड्रील नहीं देना बारिश तारे को, अपना नाजा जबरदस्त है, चाल के पूरा को बारिश तारे को पूरे बंदी से कहेंगे उसको कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह मैं आऊंगा फिर आपके दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।